Good morning everyone. Now today we are going to learn something new and it's really easy. So we are going to learn about the shapes. ठीक है, तो आपका बुक का पेज नंबर 183 से स्टार्ट करते हैं. What is new given over here? ठीक है, here see, this is what, this is triangle, this is rectangle and this is pentagon. ठीक है, ये क्या है सर? शेप्स है. ठीक है, ये कैसी शेप्स है? ये सब क्लोज्ड फिगर्स हैं. कैसे फिगर्स हैं? क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर्स क्या होती है? जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और वहीं जाकर खत्म हो जाती है. इट कैन बी एनी पॉइंट. ये वाला पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है. सो व्हाट आर दीज? दीज आर दी क्लोज्ड शेप. ठीक है, सो क्लोज्ड शेप हमने कर लिया. अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन्स की. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स आर द फिगर. वो क्लोज्ड फिगर होते हैं. कैसे फिगर होते हैं? क्लोज्ड फिगर होते हैं जो दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं. व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? मैंने पढ़ाया था, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाता है जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है, वो लाइन सेगमेंट होते हैं. तो जब हम दो या दो से अधिक लाइन सेगमेंट्स को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? पॉलीगॉन मिलता है. अब जैसे यहाँ पर एक दो तीन, कितने लाइन सेगमेंट्स है? तीन लाइन सेगमेंट्स है. यहाँ पर वन टू थ्री फोर, कितने लाइन सेगमेंट्स है? फोर. यहाँ पर कितने हैं? वन टू थ्री फोर एंड फाइव. ठीक है, सो अब हम इसको नेम देंगे. कैसे बोलेंगे हम इसे? दिस इज ट्राइंगल, दिस इज चार है तो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल. जैसे वन के लिए, जैसे टू, अब जैसे वन के लिए हम क्या बोलते हैं? मोनो. ठीक है, टू के लिए क्या बोलते हैं? डाई. तीन के लिए क्या बोलते हैं? ट्राई. चार के लिए क्या बोलते हैं? क्वाड. फाइव के लिए पेंटा. सिक्स के लिए हेक्सा. सेवन के लिए हेप्टा. एट के लिए ऑक्टा. ठीक है, ये सब टर्म्स है. तो जैसे तीन साइड है तो दैट इज ट्राइंगल, चार है तो क्वाड्रिलेटरल, फाइव है तो पेंटागॉन. नाउ सिक्स साइड्स मिल गए. आई थिंक दिस इज मोर देन सिक्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. सो दिस इज ऑक्टागॉन. ये क्या हो गया? ऑक्टागॉन हो गया. अब हमें हेक्सागॉन बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हेक्सागॉन. वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, दिस इज हेक्सागॉन. ठीक है, सो ये सब क्या हो गए आपके? पॉलीगॉन्स हो गए. नॉट सर्कल, सर्कल इज नॉट अ पॉलीगॉन. ठीक है, सो ये क्या है आपके? ये सब पॉलीगॉन है. ठीक है, हमने पॉलीगॉन भी कंप्लीट कर लिया. अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की. वी गोइंग टू टॉक अबाउट दी ट्राइंगल. ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इज अ फिगर जो तीन साइड से मिलकर बना होता है. कितने साइड से मिलकर बना होता है? तीन साइड से. ठीक है, ओके, ये तो हमें पता है कि ट्राइंगल. अभी पिछली बार जब हमने एरिया और पैरामीटर पढ़ा था तब हमने एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था विच इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स क्या होती थी? इक्वल होती थी. ठीक है, सो मेकिंग ओवर हियर वन ट्राइंगल. ठीक है, कलर्स देखना. ये कलर्स क्या है तीनों? अगर इसके एक जैसे हैं तो हमने क्या करा है? इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है. व्हाट वी कॉल्ड दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल रहे हैं. ठीक है, इसके तीनों कलर्स क्या हैं? इक्वल है. सो ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. बट अगर इसमें से हम किसी एक कलर, मतलब किसी दो कलर्स को, ठीक है, जैसे सपोज ये वाला कलर, ना इसमें दो साइड्स, ठीक है, पहला वाला तो समझ जाएगा तीनों ग्रीन कलर थे, मतलब वो क्या थे? इक्वल थे. तो वो कौन सा ट्राइंगल था? इक्विलेटरल ट्राइंगल था. ना अब इसमें देखो, इस वाले ट्राइंगल में अगर नेक्स्ट ट्राइंगल का टाइप कर रहे हैं हम, अगर इस ट्राइंगल में, ठीक है, कोई दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. क्या होती है? इक्वल होती है. तो हम उसे आइसोसेलियस ट्राइंगल बोलते हैं. व्हाट वी कॉल्ड? वी कॉल्ड आइसोसेलियस. आइसोसेलियस ट्राइंगल में क्या होता है? आइसोसेलियस ट्राइंगल में आपकी तीनों साइड जो होती है वो क्या होती है, सॉरी, दोनों दो साइड्स क्या होती है किसी ट्राइंगल की? इक्वल होती है. तो वो ट्राइंगल कैसा हो गया? आइसोसेलियस. मैंने इसको कलर की हेल्प से रिप्रेजेंट करा है क्योंकि आप मेजर नहीं कर पा रहे थे.
ठीक है, तो मेजर करती तो आपको इक्वल समझ में नहीं आता, तो मैंने कलर स्केल से लिया। कलर मतलब साइड, अगर दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलियस है, अगर तीन साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल है। अब हमारा आइसोसेलियस और इक्विलेटरल दोनों हो गया। अब हम बात कर रहे हैं स्केलन ट्राइंगल की। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तीनों साइड क्या होगी आपकी, अलग अलग होगी। तीनों साइड का मेजर क्या होगा, अलग अलग होगा। जब तीनों साइड का मेजर अलग अलग होगा या तीनों साइड अलग अलग होगी तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल। व्हाट इज अ ट्राइंगल नेम, स्केलन ट्राइंगल। तो अभी हमने ट्राइंगल के टाइप समझ लिए, ठीक है। अगर तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल, तीनों डिफरेंट है तो स्केलन, दो इक्वल है तो आइसोसेलियस। ये ट्राइंगल्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, इसीलिए मैंने आपको इसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की। आओ क्वाड्रिलेटरल्स देख लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल्स किस तरह से होते हैं, क्वाड, क्वाड मतलब क्या होता है, चार। क्या होता है, दैट इज चार, ठीक है। मतलब कोई ऐसा क्लोज फिगर जो फोर शेप से, फोर साइड से मिलकर बना हुआ, 1, 2, 3 and 4, उसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है जो चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, चार है, चार से ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल है। अगर चार से ज़्यादा हुए तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसमें चार साइड जो होती है वो इक्वल होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।